सो हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों फाइनली यहां पर Redmi Note 7 पर MIUI 12 का सेकंड अपडेट है वो रिलीज हो चुका है। तो गाइस आज के वीडियो में हम इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप में से कई लोगों को मुझे कमेंट्स मिलते थे कि भाई Redmi Note 7 पर आखिरकार कब हमें दूसरा अपडेट मिलेगा, क्योंकि पिछले अपडेट के अंदर कुछ बग्स थे और नए जो फीचर आए थे वो आपको वहां पर नहीं मिले थे। तो गाइस आज की वीडियो में हम इस अपडेट के बारे में पूरा डिस्कशन करने वाला है और मैं आपको बताने वाला हूं कि इस अपडेट के साथ आपको क्या क्या चेंजेस मिलने वाला है, क्या क्या नए फीचर मिलेंगे, और अगर आपको ये अपडेट अभी तक नहीं मिला है तो कैसे आप इसको अपडेट कर पाएंगे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है युवराज और आप सभी का इस नए वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से कल रात से एक अपडेट है वो सभी यूजर को मिलना स्टार्ट हो चुका है। इंडिया के अंदर ही ये अपडेट अवेलेबल हुआ है, दूसरे कंट्रीज के अंदर अभी तक इसको रोल्ड आउट नहीं किया गया है और रेंडमली सभी यूजर को मिल रहा है। तो हो सकता है कि भाई कुछ यूजर को पहले मिल जाए, कुछ यूजर को बाद में मिले। तो अगर आपको अभी तक ये अपडेट नहीं मिला है तो भाई लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा। तो गाइस यहाँ पर 12.0.2 का अपडेट है, यानी कि सेकंड अपडेट हो गया। और यहाँ पर बात करें इसके साइज की तो गाइस यहाँ पर 336 MB यहाँ पर आपको OTA अपडेट इसका मिलने वाला है। और बात करें इसके चेंजेस की तो गाइस इसके जो चेंज लुक होता है उसके अंदर बस एक ही चेंज है, उसको मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आपको 2020 का दिसंबर महीने का देखने को मिल जाता है। तो दिसंबर महीने के जितने भी गूगल के अपडेट्स थे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दूसरा मेजरली आपको यहाँ पर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। सेम एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट है, एंड्रॉइड अपडेट भी आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। और यहाँ पर बात करें UI चेंजेस की तो गाइस यहाँ पर आपको छोटे मोटे UI चेंजेस देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, जैसे ही आप यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर क्लिक करेंगे तो भाई डार्क मोड 3.0 का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। पहले गाइस ये Redmi Note 7 पर ऑफिशियली अवेलेबल नहीं था, पर अभी गाइस आपको ये इंडिया में देखने को मिल जाता है वो भी ऑफिशियली। तो गाइस आपको इसको एनेबल नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही आप इस अपडेट को इंस्टॉल करेंगे तो आपके फोन के अंदर ये अपने आप ही जो है इनेबल हो जाएगा। उसके बाद गाइस बात करें दूसरे चेंजेस की तो आप में से कुछ लोगों का मुझे ये कमेंट आया था कि क्या भाई Redmi Note 7 पर डेटा यूजर्स का ऑप्शन है उसको हम इनेबल कर सकते हैं। तो भाई इस अपडेट के साथ भी आपको वो ऑप्शन अभी तक नहीं मिला है, शायद हो सकता है कि फ्यूचर के अपडेट के साथ आपको ये देखने को मिल जाए। पर जैसे ही आप यहाँ पर कंट्रोल सेंटर सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। और गाइस इस अपडेट के साथ आपको यहाँ पर एक स्मार्ट होम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपने नया वॉल्यूम UI उसका अपडेट है उसको इंस्टॉल किया है तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये सब कुछ आपको चेंजेस इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बाकी बात करें यहाँ पर थीम ऐप की तो थीम ऐप वगैरह आपको पुराना वाला देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको कोई भी अपडेट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारे चेंजेस आपको इस नए अपडेट के साथ देखने को मिल जाएंगे। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर बग्स के बारे में, क्योंकि आप में से कई लोगों के मुझे ये भी कमेंट आए थे कि क्या भाई नए अपडेट के साथ हमारे बग्स से वो फिक्स हो जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के अंदर एक लैंडस्केप मोड का प्रॉब्लम था वो अभी कंप्लीटली फिक्स हो चुका है और सिस्टम को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया गया है, तो अभी आपको लैगिंग है वो कम देखने को मिलेगा। तो ये कुछ आपको चेंजेस और बग्स का फिक्स है वो इस नए अपडेट के साथ देखने को मिलने वाला है। अभी गाइस मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको ये अपडेट नहीं मिला है तो कैसे आपको इसको अपडेट करना है। तो सबसे पहले तो गाइस आपको यहां पर सेटिंग पे जाके एक बार चेक कर लेना है, अगर आपको यहां पर अपडेट आ गया है तो उसको जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि नया अपडेट है वो 4 घंटे रहता है, 4 घंटे के बाद वो चला जाता है। तो अगर आपको यहाँ पर अपडेट शो कर रहा है तो आप जल्दी से उसको अपडेट कर लीजिएगा। अगर नहीं मिला है तो भाई आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका OTA अपडेट एंड रिकवरी रोम का फाइल उसको शेयर कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से फाइल होगी, तो उसको आपने डाउनलोड कर लेना है और सिंपली यहाँ पर आपको MIUI 12 का लोगो है उसके ऊपर टैप करना है और यहाँ से आपको चूज अपडेट पैकेज करके उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, तो आपके फोन के अंदर ये अपडेट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कोई भी एरर वगैरह देखने को मिलती है तो आप 2 से 3 दिनों का वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपडेट रेंडमली सभी यूजर के मोबाइल पर रोल आउट हो रहा है, तो हो सकता है कि कुछ यूजर को यहाँ पर एरर देखने को मिले। तो आपको 2 से 3 दिन वेट कर लेना है, आपके फोन के अंदर 300 MB का OTA अपडेट है वो आपको मिल जाएगा।
और गैस मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आप दूसरी कंट्रीज से हैं, जैसे कि पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश या फिर नेपाल से हैं, तो आपको शायद ये अपडेट है वो अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अपडेट सिर्फ इंडिया इंडियन फोन के अंदर ही रोल्ड आउट किया गया है, तो इंडियन यूजर को ही ये अपडेट मिलने वाला है। सो गैस आशा करता हूँ कि आपको आज का इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको भी अपडेट मिल चुका है तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो बस गाइस आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते फिर से एक नई वीडियो के अंदर।